हेलो एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी का टाइम हुआ है 9:10, वही अपना रेगुलर शेड्यूल है ऑफिस जाने का। और एक नए दिन की शुरुआत होती है एक नए व्लॉग के साथ। और आज है सैटरडे और कल है संडे, आपको पता ही होगा। तो संडे की अपनी राइड तो है ही नहीं, जैसे आपको पता है कि अपना संडे ऑफिस अब चालू होता है तो वीकडेज में होगी। वो इस वीक में कब वीक ऑफ है मुझे आइडिया नहीं है, वो मुझे जाकर चेक करना पड़ेगा। तो उस दिन कोई राइड का हम सेट करेंगे। तो अपना कैमरा थोड़ा मतलब खराब हो गया है, खराब मतलब डस्ट हो गया है, मतलब मिट्टी वगैरह उड़ी है वो सब, तो उसको भी क्लीन करना पड़ेगा। तो आज तो नहीं, और कल सुबह ऑफिस आते टाइम इसको पहले मस्त वॉश कर देंगे। वॉश इसलिए करेंगे क्योंकि ये वॉशेबल है, वाटर प्रूफ तो नहीं है लेकिन वाटर रेजिस्टेंस है, तो वॉश कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और इसका मुझे एक केस भी लेना है, वाटर केस जो आता है वो, तो क्या पानी में भी इफ मैं रखूँ तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, तब वो भी लेना है। तो वो एक बार देखते हैं, ऑनलाइन कहीं मिलता है तो ऑर्डर वगैरह करेंगे। और इसके लिए मैंने एक वर्टिकल माउंट देखा था लेकिन वो इस कैमरे में एडजस्ट नहीं होता है, वो दूसरे कैमरे में एडजस्ट होता है। और यहाँ पे चल रही है जेसीबी से काम काज, उस वजह से इतना सारा ट्रैफिक हो चुका है सुबह सुबह रोड पे। पता नहीं मैं इतनी सारी बातें कर रहा था, कैमरे में ठीक से कैप्चर हुआ है कि नहीं भी हुआ है, वॉइस ठीक से रिकॉर्ड हुआ है या नहीं पता नहीं, बिकॉज इतना सारा आवाज था जेसीबी का आवाज, इतना ट्रैफिक था। तो आई थिंक सो हो तो जाना चाहिए रिकॉर्ड, क्योंकि अब तक का एक्सपीरियंस अपना बोल रहा है कि रिकॉर्डिंग बिल्कुल सही होता है, तो ये भी रिकॉर्ड हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। बस ये पोस्टर में जो व्हील है पीछे का वो निकाल के मुझे दे दो, मैं अपनी गाड़ी में लगा लेता हूँ, न्यू लगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा नजदीक आता हूँ, दे दो अगर देना हो तो। छोड़ो नहीं चाहिए अभी, इतना ही गुस्से में देख रहे हो आप लोग तो। यार ये मिरर लगवाना है लेकिन मिरर मिल नहीं रहे हैं, बाइक की डिलीवरी ली थी उस टाइम पे थे मिरर, मैंने बाद में निकाल दिए थे बिकॉज मैं मिरर यूज नहीं करता हूँ, लेकिन अभी लग रहा है कि यूज करने पड़ेंगे, बिकॉज हेलमेट का जैसे आप आगे पीछे नहीं देख सकते हो तो मिरर हो तो थोड़ा इतना हेल्प हो जाएगा। मैंने ढूंढे लेकिन मिल नहीं रहे, पता नहीं मैंने कहाँ रख दिए। तो जरा मम्मी को भी बोलेंगे एक बार ढूंढ दे, अगर मिल गए तो ठीक है, नहीं तो फिर देख लेंगे शोरूम से फिर दूसरे डलवा देंगे, और तो क्या, ठीक है लगवाने तो पड़ेंगे ही अपने को। फिर एक यहाँ पे भी एक प्रोटेक्टर आते हैं दोनों साइड पे, उसका रीजन ये, एक तो क्या अगर सामने से जो गरम गरम हवा या लू लग रही है, ठंड लग रही है, तो डायरेक्ट आपके हाथ पे नहीं लगेगी, दूसरा आपका ब्रेक और ये जो है ये थोड़ा सेफ रहेगा, मतलब अगर बाइक गिरती भी है बाय मिस्टेक तो उसके टूटने के चांसेस थोड़े कम रहते हैं, तो वो भी लगवाना है मुझे। तो ये थोड़े बहुत छोटे मोटे काम है, वो एक आध दिन टाइम निकाल के करवाने पड़ेंगे मुझे, तो जाएंगे किसी दिन सिटी में और करवा के आएंगे। ये बाहर लगा हुआ ऐसी निकाल के ले लेना पड़ेगा, वैसे भी लगा हुआ ही है खाली खाली, निकाल के हम यूज कर लेते हैं, वैसे भी वो लोग सेल करते नहीं, ऐसे ही सिर्फ शो पीस में लगा के रखा है। चलो तो अभी पहुंच गए ऑफिस और चलते हैं ऊपर, काम वगैरह जो भी शुरू करते हैं, आज ज्यादा काम नहीं और शाम को थोड़ा बाहर भी जाना है, तो सीधा मिलते हैं आपको घर पे जाने के टाइम पे, तब तक के लिए टाटा बाय। पीछे से अपना हेलमेट का लुक क्या ही दिख रहे, मतलब कितना घूर के देख रहे, देख रहे हो कितने गर्म आंखों से घूर के हमको देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहा है हेलमेट, जो डिजाइन है वो एक नंबर है। आगे से भी देखो भाई साहब इसको आप, ये देखो एक नंबर। चलो तो ऑफिस का दिन थोड़ा जल्दी खत्म किया, बिकॉज किसी काम से मुझे बाहर जाना है, तो वो काम करना है, वो काम क्या है मैं नहीं दिखाऊंगा शायद से ब्लॉग में, उस वजह से थोड़ा जल्दी निकला हूँ, जल्दी मतलब आधा घंटा ही जल्दी निकला हूँ, ज्यादा जल्दी नहीं निकला हूँ। तो यहाँ पे अपने को जो काम था वो काम हो गया, एक्चुअली काम ये था कि मुझे हॉस्पिटल से कॉल आया था तो उस वजह से मुझे यहाँ पे आना पड़ा था, तो बस जो था काम हो गया और अभी चलता है घर की तरफ। अभी टाइम हो गया है 6:30, वैसे भी अपना टाइम हो ही गया है घर पे जाने का, तो अभी चलते हैं घर पे और करेंगे वीडियो एडिटिंग वगैरह जो भी अपना बाकी है वो, और तो क्या। और ये रोड पे है ना शाम के टाइम पे बर्ड्स का इतना आवाज, मधुर वॉइस सुनाई देगा ना आपको, बहुत ही बढ़िया। अभी तो नहीं है मतलब 7 बजे के आसपास इधर बहुत ही बढ़िया वॉइस आते हैं बर्ड्स का, और बहुत सारी बर्ड्स हो जाती है इस टाइम पे यहाँ पे। और मेरे ख्याल से बड़ौदा का ये एक रोड है जो इतना ग्रीनरी रोड पे है दोनों साइड में मेरे ख्याल से, कि अगर आपको कोई ऐसा रोड पता हो इतनी ग्रीनरी है बड़ौदा में तो आप कमेंट डाउन जरूर से कर सकते हो उसमें, तो मुझे भी पता चले। चलो तो आज MS की गलियों से निकलते हैं, रोज वो रोड से जाते हैं, आज अंदर के रास्ते से MS में से निकलते हैं। ये जो है वो एक्सपेरिमेंटल स्कूल है MS की, और साइकोलॉजी का डिपार्टमेंट है इस साइड, और ये राइट साइड वाली जो बिल्डिंग है वो साइंस फैकल्टी है। और इधर से हम आगे जाएंगे तो हमारा फैकल्टी आएगा ये वाला जो है गुजरात इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एजेंसी, ये इस साइड वाला। और ये छोटा सा ब्रिज जब क्रॉस करेंगे तो अपना
मेन बिल्डिंग सॉरी यूनिट बिल्डिंग आएगा कॉमर्स फैकल्टी का, यहाँ पे काम वगैरह चल रहा है, साफ सफाई चल रही है। इतनी दी फोटो ले रहे हैं शायद से कहीं पे अपलोड करने के लिए या फिर करेंगे। और ये सीसी मेहता ऑडिटोरियम है और लेफ्ट साइड वाली जो बिल्डिंग है वो यूनिट बिल्डिंग है कॉमर्स फैकल्टी की, मतलब बीकॉम, जहाँ पे हम पढ़ा करते थे। और ये क्रिकेट ग्राउंड है, यहाँ पे कभी क्रिकेट तो खेल नहीं सके लेकिन जो खेलता उनको देखा है बहुत बार, इधर कॉलेज आते थे तब बैठ के एक दो लेक्चर अटेंड करके यहीं पे बैठते थे, बैठ के देखते थे ये सब। और उस साइड सामने वो जो है वो कंप्यूटर लैब और लाइब्रेरी वगैरह है जो कभी जिंदगी में यूज नहीं किया इस साइड आके, सिर्फ जाके घूम के वापस आते थे। कभी लाइब्रेरी में गए हैं एक दो बार बुक लेने के लिए, लेकिन मेरे लिए नहीं, फ्रेंड्स के लिए बस। और यहाँ पे क्रिकेट की नेट प्रैक्टिस वगैरह होती है जो आज बंद है। तो लो जी, अपना जो मेन रोड था वो आ गया, मतलब कमाटी बाग वाला मेन रोड, उधर से आते थे घूम फिर के इधर आना पड़ता, तो हम MSU से शॉर्टकट मार के इस साइड आ गए। और आज सीधा नहीं जाएंगे, इधर से मैं राइट ले लेता हूँ ताकि अपने को एयरपोर्ट सर्कल वाला जो ट्रैफिक है वो बिल्कुल भी अपने को दिक्कत ना करे। संगम से चले जाएंगे तो ट्रैफिक अपने को कहीं पे भी हैरान नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे है इतना ट्रैफिक तो कोई दिक्कत नहीं है, तो छोटा मोटा ये ट्रैफिक तो इधर तो फटाफट निकल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इधर तो। और ये रोड देख के हर्ष, अनुराग, कौशल जी कुछ याद आया आपको? आ गया होगा, समझ गए बेटा, समझ गए आप लोग, समझ जाते हो, अच्छा है। ऑस्ट्रेलिया रह के भी, कनाडा रह के भी आप मेरा इशारा समझ जाते हो, तो बहुत अच्छी बात है ये। तो अभी एक्चुअली नीचे उतर तक मैंने इसको फिट करने के समय, चलो नीचे से स्क्रू ओपन हो गया तो जरा फिट कर दूं, देखा बट नहीं था, टूट गया ये, पता नहीं किसने तोड़ा है या फिर अपने आप टूटा है, क्या पता। तो इसको मंडे एक बार शोरूम में लेके जाएंगे भाई, दिखा देंगे भाई ये क्या दिक्कत है, ऐसा कैसा बनाया आपने के लगाया है के एक महीना भी नहीं हुआ, अप्रोक्स 10-15 दिन, 10 दिन ही हुआ अगर ये टूट गया है, दिखाना पड़ेगा शोरूम में मुझे ले जाके ये। तो चलिए फिर बाइक की पे बातें यहीं पे हम समाप्त करते हैं और सीधा आपसे मिलते हैं घर पे, ठीक है? चलो। तो अभी घर पे आके फ्रेश वगैरह हो गए, आधा घंटा हो गया, मस्त फ्रेश हो गए। और हेलमेट के से बाल कभी खराब भी होते हैं, कभी हेयरस्टाइल अच्छी भी दिखती है। और मैं एक जो पुराने फ्रेंड से आज मिला था तो वो बोल रहे थे तू क्या कर रहा है कि तेरी शक्ल जो है थोड़ी गोरी दिख रही है। मैंने बोला भाई साहब मुझे तो नहीं पता, मैं तो खुद को देखता तो मुझे लग रहा है कि मैं काला हो रहा हूँ, आपको गोरा दिख रहा हूँ, पता नहीं। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है? इसी के साथ अपना आज का ब्लॉग भी यहीं पे समाप्त होता है, मिलते हैं कल के कोई अच्छे ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और गुड नाइट।